Hello everyone and welcome to the online classes. I am Shashi Sahu, assistant professor from Biotech department. और आज जैसे कि आप सभी हम जानते हैं कि हम लोग अभी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन को हम लोग ऑलमोस्ट जो है क्लियर कर चुके हैं. हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है. लेकिन अगर हम लोग आज मैं आप लोगों को प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का एक तरीका है उसे मैं शॉर्ट में एक बार बताऊंगी कि अगर हम लोगों को पत्ते से पौधे के पत्तियों से मतलब आपके लीव्स से अगर आप लोगों को प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं उसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक सर्कल के रूप में, एक साइकिल के रूप में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो प्रोसेस जो होती है वो होती है आपके पास तो खुद पहले तो एक प्लांट होना चाहिए. ठीक है, आपके पास एक प्लांट है. उस प्लांट का आपको क्या लेना है, पत्ती को लेना है. मतलब आपको अगर प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट हम पत्ती से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक लीफ होना चाहिए. तो लीफ हमने लिया. सबसे कॉमनली इसे लीफ को यूज भी किया जाता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए. तो क्योंकि अब ये सोचने वाली बात है अगर वाइवा में अगर आप लोगों से एक्सटर्नली पूछेगा कि क्यों लीफ को लिया जाता है तो लीफ को इसलिए लिया जाता है क्योंकि लीफ आसानी से हमको मिल जाते हैं. हम तोड़ सकते हैं उसको प्लांट से आसानी से. ये पॉसिबल हो सकता है कि इसे हम लोग प्लांट से आइसोलेट कर सके और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स, एक जैसे सेल्स बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं आपके पत्तियों में, इस वजह से इसे यूज किया जाता है. तो सबसे पहले तो हमने पत्ती को लिया. अब पत्ती को हम क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे. स्टरलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको अच्छे से वॉश करना होगा, पानी में डालेंगे, कुछ डिटर्जेंट यूज करेंगे. डिटर्जेंट ऐसे नहीं कि आपने कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट डाल दिया. प्लांट को कभी भी स्टरलाइजेशन करने के लिए अलग से डिटर्जेंट आते हैं, जैसे ट्विन 20, ट्विन 80 ऐसे करके डिटर्जेंट्स आते हैं, उनमें उसको वॉश किया जाता है. तो इस पूरी प्रोसेस को जिसमें प्लांट के पार्ट को साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन. और यूजुअली इसे स्टरलाइजेशन तो मैं बोल दी लेकिन एक्चुअल में इसे सरफेस स्टरलाइजेशन बोलते हैं. सरफेस स्टरलाइजेशन अगर वर्ड कहीं भी आता है तो समझ जाना कि प्लांट के पार्ट को क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है. तो पहले हमने लीफ लिया, लीफ को हमने अब क्या किया, सरफेस स्टरलाइजेशन किया, लीफ को स्टरलाइजेशन किया. अब हम जो है पत्ती को निकाल लिए. अब पत्ती का हम छोटा सा हिस्सा जो है कट करके निकालेंगे अपने पास. ठीक है, पत्ती के छोटे से हिस्से को कट करके निकालेंगे तो हम वो कहलाएगा आपका एपिडर्मिस पीलिंग, जिसमें हम लोग एपिडर्मिस को पील कर रहे हैं. छोटे से हिस्से को तोड़ने के बजाय अगर आप बीच से एकदम सेंटर से अगर आप पत्ती को छीलें तो वो एपिडर्मिस को पील करना होगा. उसकी स्किन को निकाल दिया आपने, किसकी, पत्ती के. ठीक है, एपिडर्मिस पीलिंग कहलाता है जिसमें आपने छील दिया पूरा एपिडर्मिस को. ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया आपका जो पत्ती को आपने तोड़ा मतलब पीस से फाड़ा पत्ती को, उसके बाद जो है जितना हिस्सा पत्ती का आपके पास एक हिस्सा से जो बचा उसको हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मतलब माइक्रोस्कोप में अंडर माइक्रोस्कोप इस प्रकार से दिखाई देता है. ठीक है, ठीक. तो ये क्या है आपका पील्ड लीफ का, छीली हुई पत्ती का सेगमेंट है आपके पास, एक जो सेगमेंट है. ठीक है, अब वो जो सेगमेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होगी. जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होती है तो क्या होती है, प्रोटोप्लास्ट जो है सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस करवाएंगे हम लोग. ठीक, अब प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होगा तो आपका सेल जो है प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे. प्लाज्मोलाइज होने से क्या होगा, आपके जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिकुड़ना स्टार्ट करेंगे और सेल वॉल से दूर हटना स्टार्ट कर देंगे. अब जो है अब इसी को ही, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम किसमें डालेंगे, हम अपने ऐसे उसमें डालेंगे, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें क्या भरा हुआ है, एंजाइम्स. ठीक है, हमने एंजाइम वाले जो सॉल्यूशन है उसमें क्या किया, अपने प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स को डाल दिया. ठीक है,
प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हमने एंजाइम वाले सॉल्यूशन में, एंजाइम वाले लिक्विड में हमने डाल दिया। अब एंजाइम के साथ उसे मिक्स कर रहे हैं। जैसे ही एंजाइम के साथ मिक्स करेंगे तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो इसके अंदर आपने डाला था ऐसा, ठीक है, एंजाइम जो है सेल वॉल को ब्रेक करेगा, तोड़ने का काम करेगा। तो आपका ब्रेक हो रहा है सेल वॉल, सेल वॉल टूटेगा तो फिर प्रोटोप्लास्ट बाहर आएगा, सेल वॉल का डाइजेशन कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है, कौन, आपका जो एंजाइम्स है जिस सॉल्यूशन में आपने डाला था, एंजाइम का सॉल्यूशन था। और एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है, सेल वॉल को ब्रेक करते हैं, जो एंजाइम्स रहते हैं सेल वॉल को वो तोड़ना स्टार्ट किए आपके जो एंजाइम्स थे। अब जो है क्या होगा, इसे हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास टूट गया, अब बाहर आ रहा है, अब हम इसे एक और सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें प्रोटोप्लास्ट को हमको वॉश करना है, वॉशिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को वॉश करना है। तो प्रोटोप्लास्ट को जब वॉश करेंगे हम लोग अच्छे से, तो क्या होगा, जितने भी कण हैं आपके सेल वॉल के और सेल के जो कण हैं टूटे फूटे, वो आपके नीचे जमा हो जाएंगे। और प्रोटोप्लास्ट जो है हल्का होने की वजह से जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपरी हिस्सा आपका क्या है, प्रोटोप्लास्ट, और जो नीचे वो क्या है, सेल डेब्री, सेल का मलबा है वो एक, ठीक है, सेल डेब्रिस। ठीक, अब प्रोटोप्लास्ट ऊपर आ गए और वॉश करने की वजह से सेल जो डेब्रिस थे, जो सेल के कुछ कण थे जो हमको नहीं चाहिए थे, वो क्या हो गए, नीचे बैठ गए। अब क्या है, हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रोटोप्लास्ट को हम पूरा निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये हमारा प्रोटोप्लास्ट आ गया, ठीक है, ये हमारा आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है। अब इस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को अगर वापस से यूज करना है तो क्या करेंगे, इसका कल्चर किया जाता है। तो आपके पास एक क्या है, पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट में आपका मीडिया आपने डाला और आपने प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने के लिए इसमें डाल दिया। तो प्रोटोप्लास्ट का क्या हो रहा है, प्रोटो प्लेटिंग की है हम लोगों ने। अब जब बढ़ेगा धीरे धीरे प्रोटोप्लास्ट, तो इसमें क्या होने लगेगा, धीरे धीरे सेल वॉल फिर से डेवलप होने लग जाएंगे, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट जो है क्रिया कर रहा है, उसको सूटेबल मीडिया मिला है तो वो कार्य करेगा। तो धीरे धीरे फिर से इसमें क्या डेवलप होंगे, सेल वॉल डेवलप होना चालू कर दिए। अब सेल वॉल डेवलप होंगे तो फिर सेल का पूरा गुच्छा बनेगा, बहुत सारे सेल का गुच्छा बनेगा, और बहुत सारे सेल के गुच्छा बनेगा, क्लम्प्स बनेंगे, ठीक है, सेल क्लम्प बन रहे हैं यहां पर, सेल का क्लम्प बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये टिश्यू में तब्दील होंगे, ठीक है, सेल के क्लम्प्स से। अब सेल के क्लम्प्स बने तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कैलस में तब्दील हो जाएगा, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है कैलस। और कभी भी कैलस पहली चीज बनती है जब हम टिश्यू कल्चर करवाते हैं, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब कैलस में तब्दील हो गया कौन, आपका यही सेल का क्लम्प्स जो है। अब यही कैलस क्या होगा, और बढ़ेगा, डिफरेंशिएट होगा, और किसमें तब्दील हो जाएगा, इसको जब हम सूटेबल मीडिया में रखेंगे, तो यहाँ पर हमने कैलस को रखा, तो कैलस और बड़ा होके क्या बनाएगा, वापस, ये अभी बड़ा हो रहा है अभी कैलस, वापस से बड़ा होके क्या बनाएगा, एक छोटे से प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम बाद कंप्लीट पूरा यही वाला पूरा कंप्लीट प्लांट, होल प्लांट बनेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी जो है क्रिया होती है किसकी, आपके लीफ के जरिए अगर हम लोग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की प्रक्रिया करवाते हैं, तो कुछ पूरा ऐसे स्टेप जो है वो होते हैं, ठीक है, जिसमें मेन जो होता है वो स्टिलाइजेशन ऑफ लीव्स होता है, फिर रिमूवल ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स को रिमूव करके प्लाज्मोलिसिस कराना होता है, फिर एंजाइम से ट्रीटमेंट कराना होता है, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट को फाइनली हम आइसोलेट कर पाते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पर जो स्टेप है हमारा, जो ये प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुआ, ये वाला स्टेप, ये जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुआ, इसमें इस चीज को ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किया है वो सही है कि नहीं, डैमेज तो नहीं है, या फिर क्या पता वाइबल ना हो, मतलब जीवित अवस्था में ना हो, मर गए हो, तो इसको चेक करना भी जरूरी होता है। वो बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अगर आपने बिना चेक कर दी किए रख दिया,
तो फिर आप जब कभी भी उसे रीजनरेट करना चाहते हैं, उससे पूरा प्लांट उगाना चाहेंगे, तो वो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि जब कभी भी प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन हो, तो प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के बाद उसे वायबिलिटी चेक करना जरूरी होता है, उसकी वायबिलिटी को चेक करना, ठीक है। तो इट इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट द आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आर हेल्दी। ये जरूरी है इंश्योर करना कि आपका जो प्रोटोप्लास्ट है वो स्वस्थ है कि नहीं, जीवित अवस्था में है कि नहीं, और साथ ही साथ उनमें इतनी सक्षमता है कि नहीं कि वो आगे जाके सेल डिवीजन कर सके, कोशिका विभाजन कर सके और एक नया प्लांट का निर्माण कर सके, ठीक है। और रीजनरेशन मतलब ये हो रहा है, रीजनरेशन ये हो रहा है ना, जिसमें सेल प्रोटोप्लास्ट के बाहर फिर से जो है सेल वॉल डेवलप होना चालू हो गए थे, तो ये रीजनरेट हो रहे हैं वापस से। तो ये सक्षमता तब रहेगी जब ये जीवित अवस्था में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सेल डिवीजन कर सकेंगे तब। और इसे चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसे चेक करने के कुछ मेथड्स होते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि पहला जो मेथड है वो है फ्लोरोसिन डाइएसिटेट स्टेनिंग। उसे हम डिस्कस करते हैं, मेथड्स को डिस्कस करते हैं हम लोग कि कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम लोग प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी को चेक कर सकते हैं, उस वो जीवित अवस्था में है या नहीं, सही है कि नहीं, स्वस्थ है या नहीं, ये सब चीजों को हम चेक करने के लिए करेंगे। Viability of protoplast. Protoplast की viability check करने का जो पहला method है वो है आपका fluorosin diacetate staining. फ्लोरोसिन डाइएसिटेट को FDA भी बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म स्टेनिंग। अब इसमें क्या होता है चेक करते हैं, फ्लोरोसिन डाइएसिटेट मेथड जो होता है, स्टेनिंग मेथड है एक, इसमें क्या किया जाता है, एक प्रकार का डाई यूज किया जाता है। डाई मतलब डाई करते हैं ना जब, रंग लाना, ठीक है, रंग का डाई का यूज किया जाता है। The dye accumulates inside viable protoplast, which can be detected by fluorescence spectroscopy. तो आपका जब आपके पास प्रोटोप्लास्ट बहुत सारा है, आपकी प्रोटोप्लास्ट को आपको चेक करना है कि जीवित अवस्था में है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये फ्लोरोसिन डाइएसिटेट एक डाई आता है जिसे आप क्या करते हैं, आपने एक प्रोटोप्लास्ट को ले लिया आपने, अब उसमें आप क्या करेंगे, इस डाई को डाल देंगे। तो ये डाई क्या होता है, जो जीवित अवस्था में जितने भी प्रोटोप्लास्ट रहेंगे, उन जीवित अवस्था में रहे जो प्रोटोप्लास्ट रहेंगे, जो वाइबल प्रोटोप्लास्ट है, उनमें जाके ये जो डाई है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटोप्लास्ट को एक रंग दे देते हैं। मान लीजिए ये तीन जो प्रोटोप्लास्ट है वो जीवित अवस्था में थे, बाकी दोनों नहीं थे, तो ये डाई जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा इसमें। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखेंगे, तो ये जो डाई जहां जहां पर दिखेगा, जिस जिस प्रोटोप्लास्ट में दिखेगा, उससे हमको ये पता चलेगा कि वो वाला जो प्रोटोप्लास्ट है हमारा जीवित अवस्था में है, क्योंकि डाई सिर्फ उसी में उसी प्रोटोप्लास्ट में एक्यूमुलेट होता है जो प्रोटोप्लास्ट आपके जीवित हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसमें आप लोगों का फ्लोरोसिन डाइएसिटेट स्टेनिंग में फ्लोरोसिन डाइएसिटेट का डाई यूज किया जाता है, जो कि आपके जीवित अवस्था वाले प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम लोग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड है फिनोसेफ्रेनिन स्टेन। यूजुअली स्टेनिंग मेथड ज्यादातर प्रिफर किए जाते हैं ना, तो दूसरा मेथड है फिनोसेफ्रेनिन। फिनोसेफ्रेनिन स्टेन
इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं, फिनोसेफ्रिनिन स्टेन इज सेलेक्टिवली टेकन अप बाय डेड प्रोटोप्लास्ट टर्न रेड व्हाइल द वाइब्रेंट सेल्स रिमेन अनस्टेन। आप क्या करेंगे, अगर ये फिनोसेफ्रिनिन स्टेन है, ठीक है, इस फिनोसेफ्रिनिन स्टेन को आपने क्या किया, इसी मेथड में ही बता रही हूँ, इस स्टेन को आपने डाला किसमें, अपने प्रोटोप्लास्ट में, तो जितने भी मरे हुए सेल्स रहेंगे, जितने भी मरे हुए सेल्स रहेंगे जो वाइबल नहीं होंगे, उनको जाकर वो क्या कर देता है, रेड कर देता है, ये इसको रेड कर दिया, इसको रेड कर दिया, इसको रेड कर दिया, ठीक है। और बाकी जो स्वस्थ रहेंगे, जो हेल्दी सेल्स रहेंगे, जो वाइबल हैं, उन्हें वो वैसा का वैसा छोड़ देता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो जहां जहां जो जो वाले रेड दिखेंगे हम लोग जब चेक करेंगे माइक्रोस्कोप में, जो रेड दिखेंगे हम लोगों को, वो फ्लोरोप्लास्ट, जो वो प्रोटोप्लास्ट ऐसे रहेंगे जो मर चुके रहेंगे, और जो नॉर्मल दिखेंगे वो कैसे रहेंगे, वो हमारे स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ फिनोसेफ्रिनिन मेथड। तीसरा एक और डाई यूज किया जाता है जिसे हम इवांस ब्लू डाई बोलते हैं, इवांस ब्लू डाई। ये भी सेम क्या करता है आपका, सेम फ्लोरोसेंट डाई के जैसे ही काम करता है, जो ब्लू कर देता है, जो जीवित अवस्था में रहते हैं उनको, फ्लोरोसेंट इवांस ब्लू डाई। उसके बाद चौथा स्टेप जो है वो बताती हूँ, चौथा स्टेप जो है मेजरमेंट ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। मेजरमेंट ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, मेजरमेंट ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, इसमें क्या हो रहा है, कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन बाइंड्स टू द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स सेल वॉल्स विच एमिट्स फ्लोरोसेंस। इसमें एक स्टेन यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन, इसमें भी एक स्टेनिंग एजेंट यूज किया जाता है जो कलर कर देता है। तो ये कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन क्या करता है, जब आप अपने प्रोटोप्लास्ट को, ये आपने डाला यहां पर प्रोटोप्लास्ट है बहुत सारे, इसमें आपने क्या डाल दिया, आपने कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन को डाल दिया, तो ये जो कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन है ये जाके वहीं पर कलर करता है जहां पर सेल वॉल उपस्थित होते हैं। तो सेल वॉल अगर उपस्थित है तो वो तो प्रोटोप्लास्ट है ही नहीं, तो सेल वॉल जहां जहां दिखेंगे, ये चाहे वो डैमेज्ड हो या फिर पूरा सेल वॉल ही क्यों ना हो, तो वहां वहां पर जाके ये अटैच हो जाते हैं, कौन, ये कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन जो होते हैं, ठीक है, ये सेल वॉल वाले जो सेल्स रहते हैं उनमें जाके ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है वहां से फ्लोरोसेंट लाइट जो है वो फेंकना चालू कर देते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है। तो इसे हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमको लाइट जहां दिखेगी, फ्लोरोसेंस लाइट मतलब वो आपका कौन सा वाला सेल है जो प्रोटोप्लास्ट नहीं है और जिसके पास सेल वॉल है, तो जिसके पास लाइट नहीं रहेगी, जो फ्लोरोसेंट लाइट इनके पास नहीं चमक रही, इसमें नहीं चमक रही, इसमें नहीं चमक रही, मतलब कैसा रहेगा, ये आपका स्वस्थ सेल्स है, हेल्दी सेल्स है और वाइबल है, कौन, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। एक ये मेथड हुई, और एक मेथड देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन अपटेक बाय प्रोटोप्लास्ट कैन बी मेजर्ड बाय ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। हाँ, प्रोटोप्लास्ट जो है आप सांस तो लेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीजन कितना अपटेक हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग मेजर करने के लिए, नापने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो जितना भी ऑक्सीजन की खपत हो रही है, जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, उसको हम लोग नाप कर ये पता लगा सकते हैं कि अगर जीवित अवस्था में प्रोटोप्लास्ट है तो वो ऑक्सीजन अपटेक करेंगे, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमको नाप पता होनी चाहिए कि इतने प्रोटोप्लास्ट इतना ऑक्सीजन का खपत करते हैं करके। ये पांचवा मेथड हुआ। छठवां मेथड है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो हाँ वो जीवित अवस्था में, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो मर चुके हैं,
एक ये तरीका होता है। उसके बाद जो सातवां तरीका है, द एबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू अंडरगो कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन, दिस इज अ डायरेक्ट मेजर। हमको ये देखना है कि आपका जो प्रोटोप्लास्ट है लगातार सेल डिवीजन करता है, ये सेल डिवीजन कर रहा है कि नहीं, माइटोटिक सेल डिवीजन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है दैट मीन्स कि हम लोगों का जो प्रोटोप्लास्ट है वो जीवित अवस्था में है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट लगातार करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड होता है। ये जो प्रोटोप्लास्ट जीवित अवस्था में है या नहीं इसे चेक करने का ये डायरेक्ट मेथड होता है। सेल डिवीजन हो रहा है तो मतलब प्रोटोप्लास्ट सच में जीवित है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो वो नहीं है जीवित। तो ये कुछ तरीके थे जिसके द्वारा हम लोग अपने प्रोटोप्लास्ट के वायबिलिटी को, कि प्रोटोप्लास्ट हमारा जीवित अवस्था में है या नहीं, इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ मेथड्स था। अब हम लोग जो है आप लोगों का कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट पढ़ेंगे। मैं टाइम चेक कर लेती हूँ एक बार में। टाइम खत्म हो। आप लोगों को जितना भी मैंने अभी प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया, वायबिलिटी चेक करने के तरीके और लीफ से किस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जा सकता है, पहले हम स्टराइजेशन करते हैं, फिर उसे एंजाइम, फिर प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस कराके हम उसे एंजाइम के सॉल्यूशन में डुबा कर रखते हैं। ये तरीका सबको क्लियर हुआ है कि नहीं, सब बताइए। अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए। सबको क्लियर है जितना मैंने बताया अभी? मैम फोर्थ फ्लोरोसेंट लाइट वाला एक बार फिर से बताइए ना। देखो फ्लोरोसेंट लाइट क्या होती है पहले तो वो समझना जरूरी है। फ्लोरोसेंट जो लाइट होती है वो एक फ्लोरोसेंट लाइट ना, आप लोगों का सेकेंड ईयर में आप लोगों ने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आप लोगों को अलग से एक बार बता भी दूंगी। तो फ्लोरोसेंस लाइट होती है, फ्लोरोसेंट एक मटेरियल होता है। ठीक है, वो मटेरियल को अगर हम जहां जहां टच करवा देंगे, जहां जहां डाल देंगे, वहां से एक लाइट जो है ग्रीन कलर की लाइट जो है हमको आती दिखाई देती है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं। अगर फ्लोरोसेंट मटेरियल को अगर मैंने प्रोटोप्लास्ट में डाल दिया तो वहां से वो लाइट जो है निकलेगी, लेकिन आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपको उसके लिए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को जो लाइट है वो आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगी निकलते हुए कि हाँ ये फ्लोरोसेंट है। ऐसा आप लोगों को मैं इसके लिए अच्छे से एक इमेज दिखाती हूँ, उस इमेज को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होता है करके। मैं आप लोगों को इमेज दिखा देती हूँ उसका। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? यस मैम। हाँ ये देखो,
आप लोग को ये जो डायग्राम है मैंने ओपन किया है, ये प्रोटोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है। जो आप लोग के लेफ्ट में दिखाई दे रहा है ये नॉर्मली प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया हुआ है, हमने वहां पर फ्लोरोसेंट मटेरियल को हमने डाल दिया है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसा देखिए, इसमें लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। ये जो लाइट एमिट हो रही है इससे हम लोगों को पता चलता है कि अगर फ्लोरोसेंस मटेरियल उसमें डाला है, अगर वो जीवित वाले फ्लोरोसेंट जीवित वाले जगह पे जाकर हैं, तो फिर जो जो जहां जहां पर लाइट चल रही है वो आपकी जीवित अवस्था में है, ठीक है। अदरवाइज जो जहां पर नहीं है वो आपका क्या है, मर चुके हैं। कुछ इस प्रकार से भी फ्लोरोसेंट इमेजेस दिखाई देती है। फ्लोरोसेंट इमेजेस के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग देखने के तरीके होते हैं, अलग अलग कलर से दिखाई देते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है उसे यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए रेड कलर का है, यहाँ पर एक येलोविश कलर का है। यूजुअली जो है ये ग्रीन कलर के ही इमेजेस जो है हम लोगों को दिखाई देते हैं कभी भी अगर हम फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का ये होता है प्रोसेस, जिसमें आप लोग जो है आप लोग देख सकते हैं आसानी से। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है इसके अलावा किसी को कोई भी?